यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम वीडियो। सो गाइस, आज के वीडियो हम लोग खेलने वाले GTA 5। और आपको तो याद ही होगा, हम लोग ने कुछ समय पहले एक लैम्बोर्गिनी चुराई थी जिसको हम मॉडिफाई करने के लिए बेनी को दे दिए थे। सो गाइस, आज बेनी का कॉल आया और उसने बोला तुम्हारी लैम्बोर्गिनी हो चुकी पूरी मॉडिफाई, तुम लेने आ सकते हो। सो गाइस, अभी फिलहाल में चलते हैं बेनी के गैराज पे और देखते हैं उसने हमारी लैम्बोर्गिनी कैसे मॉडिफाई की है और अपनी लैम्बोर्गिनी को लेके आते हैं। और गाइस, अभी हम लोग फिलहाल में हायाबुसा से नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम लोग लैम्बोर्गिनी लेके आएंगे तो अपनी हायाबुसा को उधर ही पार्क करना पड़ेगा। सो गाइस, अपनी गाड़ी का चोरी होने का डर है, इसीलिए अभी हम लोग फिलहाल में चलते हैं अपने कार से। और अभी गाइस, फटाफट बैठते हैं अपनी कार में और चलते हैं बेनी के गैराज में और देखते हैं उसने हमारी लैम्बोर्गिनी को कैसा मॉडिफाई किया है। और गाइस, यहाँ आप लोग देख सकते हो हमारे पास $7 लाख है। आप लोग सोच रहे होगे इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया। सो गाइस, आपको तो याद ही होगा हम लोग ने बहुत पहले एक ज्वेलरी शॉप पे चोरी की थी जिससे कि हम लोग को $5 मिलियन मिले थे और वो जाके हम लोग लेस्टर को दे दिए थे, क्योंकि गाइस चोरी का प्लान लेस्टर का ही था और इस चोरी में 4-5 लोग थे तो उसने बोला था कि ये पैसे सब में डिवाइड कर देगा। सो गाइस, सभी लेस्टर ने हम लोग को $7 लाख भेज दिया है। सो गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना हम लोग को इतने सारे पैसे से क्या करना चाहिए। और अभी गाइस, हम लोग चलते हैं बेनी के गैराज पे। हम लोग ने बेनी के गैराज का भी लोकेशन मार्क कर लिया है और सबसे पहले अपनी कार का रेडियो बंद करते हैं और फटाफट चलते हैं बेनी के गैराज पे और अपनी लैम्बोर्गिनी को लेके आते हैं और इस गाड़ी को हम लोग उधर ही पार्क कर देंगे। जब भी हम लोग बाद में जाएंगे तो इसको भी हम लोग ला देंगे। और अभी गाइस, हम लोग पहुँचने वाले हैं बेनी के गैराज पे। बस साइड से टर्न लेना है और बेनी के गैराज आ जाएगा। तो गाइस, ये देखो हम लोग बेनी के गैराज पे आ चुके हैं। और गाइस, ये देखो बेनी ने हमारी लैम्बोर्गिनी को साइड में पार्क कर रखा है। तो फिलहाल में चलते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी के पास। और गाइस, ये देख सकते हो बेनी ने उसको काफ़ी तगड़ा वाला मॉडिफाई कर दिया है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट कलर कर दिया है। और आप लोग इसका लुक तो देख ही सकते हो, काफ़ी तगड़ा इसका लुक लग रहा है। तो गाइस, ये देख सकते हो। और अभी गाइस, फिलहाल में बैठते हैं अपनी गाड़ी के अंदर और देखते हैं इंटीरियर इसका कैसा है। चलो गाइस, अभी फिलहाल में अपनी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और इसका सबसे पहले रेडियो बंद कर देते हैं। और अभी गाइस, हम लोग ने रेडियो भी बंद कर दिया। और गाइस, इंटीरियर का लुक देखो, इंटीरियर का भी लुक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है, मतलब वहाँ लैम्बोर्गिनी लिखा हुआ है और यहाँ स्पीडोमीटर है। और ये देख सकते हो आप लोग, काफ़ी तगड़ा बेनी ने मॉडिफाई किया है इसे, मतलब इसका कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोग ये देख सकते हो। और गाइस, ये देखो पीछे से मतलब टायर का स्मोक भी निकल रहा है गाड़ी को चलाने पे। तो फटाफट अपनी गाड़ी से उतरते हैं और चलते हैं और देखते हैं बेनी से बात करते हैं और इसे बोल देते हैं हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी को लेके जा रहे हैं। और अभी गाइस, हम लोग आ चुके हैं बेनी के गैराज में और देखते हैं बेनी कहाँ पे। सो गाइस, देखो वो रहा साइड में खड़ा हुआ है और फ़ोन पे बात कर रहा है। और भाई, ये बाइक किसकी है? सो गाइस, ये बाइक काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। अभी बेनी से बात करते हैं और पूछते हैं बाइक किसकी है। और ये देख सकते हो गाइस, काफ़ी मतलब तगड़ी लग रही है बाइक। रुको, इससे बात करते हैं और पूछते हैं बाइक किसकी है। अभी गाइस, हमारा बेनी के साथ बात हो चुका है और बेनी कह रहा है ये बाइक उसने बेचने के लिए रखा है, मतलब ये गाड़ी रिपेयरिंग के साथ अब गाड़ी बेचना भी स्टार्ट करने वाला है। मतलब गाइस, इसने काफ़ी सारी गाड़ियों का ऑर्डर दे दिया है और उनमें से अब ये एक बाइक अभी आ चुकी है। सो गाइस, ये बाइक तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और बेनी ने बोला ये $15,000 की है। तो अभी फिलहाल में इसमें बैठते हैं और देखते हैं बाइक कैसी है। तो गाइस, ये बाइक तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी, इसमें आप लोग देख सकते हो लाइटिंग भी है। फिलहाल में गाइस, मैं सोच रहा हूँ ये बाइक हम लोग खरीद लेते हैं। रुको, अभी फिलहाल में गाड़ी से उतरते हैं और बेनी के पास चलते हैं और उसको $15,000 देते हैं और ये बाइक भी अभी हम लोग खरीद लेते हैं। सो गाइस, अभी फिलहाल में चलते हैं बेनी के पास और इसको पैसे भी दे देते हैं। और अभी गाइस, हमने बेनी को पैसा दे दिया और बेनी हो चुका है काफ़ी ज़्यादा खुश, मतलब इसकी पहली ही बाइक बिक चुकी है। सो गाइस, अभी फटाफट चलते हैं अपनी बाइक में बैठते हैं और इसको लेके चलते हैं गैराज से बाहर और अपनी लैम्बोर्गिनी और ये बाइक को, दोनों को लेके चलते हैं अपने घर पे। और अभी गाइस, हम लोग आ चुके हैं गैराज के बाहर और आप लोग देख सकते हो बाइक काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है, मतलब इसमें लाइटिंग ही लाइटिंग है और ये नाइट के टाइम में और ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो फटाफट इसका रेडियो बंद करते हैं और गाइस, अभी चलते हैं अपनी बाइक को थोड़ा चला के देखते हैं इसके कंट्रोल्स कैसे हैं और इसकी स्पीड कैसे है। फटाफट अपनी बाइक को मोड़ते हैं। सो गाइस, जल्दी फटाफट चलते हैं। और अभी गाइस, हम लोग रोड पर आ चुके हैं और अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं। वैसे आप लोग देख सकते हो, मतलब 180 किलोमीटर तो यूँ आ चुकी है और अभी 200 किलोमीटर भी पार हो चुका है इसमें और इसके कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो अभी फटाफट इसको रोकते हैं और लेके चलते हैं वापस गैराज पे, क्योंकि वहाँ अपनी लैम्बोर्गिनी भी खड़ी है। ले चलते हैं इसको फुल स्पीड में वापस और अपनी लैम्बोर्गिनी और इसको, दोनों को अपने घर पे लेके चलते हैं और गाइस, वापस में इसको फुल स्पीड में भगाते हैं। और गाइस, आप लोग देख सकते हो, मतलब 200 किलोमीटर तो यूँ पहुँच जा रही है। चलो भाई, फटाफट इसको लेके चलते हैं, अभी साइड मोड़ लेते हैं। और गाइस, थोड़ा सा बच गया, नहीं तो अपनी बाइक अभी ठुक गई होती। तो फटाफट से ले चलते हैं और अपनी लैम्बोर्गिनी के पास इसे पार्क कर देते हैं। और गाइस, हम लोग अकेले दोनों गाड़ियों को तो अपने घर पे ले नहीं जा सकते, तो फटाफट अपनी बाइक से उतरते हैं और फ्रैंकलिन को कॉल कर देते हैं, फिर हम दोनों मिलके दोनों गाड़ियों को अपने घर पे आराम से ले जा सकते हैं। तो फटाफट फ़ोन करते हैं फ्रैंकलिन को और इसको इधर बुला लेते हैं। और अभी गाइस, फ्रैंकलिन भी आ चुका है और इसको आने में लग गया काफ़ी ज़्यादा टाइम। तब तक हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी और अपनी बाइक को सीधी खड़ी कर दिए और अभी चलते हैं और इससे बात करते हैं। और अभी गाइस, हम लोग ने इसे बोल दिया कि भाई तू बाइक लेके हमारे पीछे पीछे आ और हम लोग लैम्बोर्गिनी में चलते हैं अपने घर पे। तो फटाफट गाइस, हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठते हैं और फटाफट चलते हैं अपने घर पे और अपने घर का लोकेशन मार्क कर लेते हैं।
सो गाइस ये रहा अपना घर, इसका लोकेशन मार्क करते हैं और फटाफट चलते हैं, ये हमारे पीछे पीछे आएगा। चलो भाई, और गाइस हमारी लैम्बोर्गिनी भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है, बैनी ने मॉडिफाई कर दिया है, आप लोग देख सकते हो। अभी फटाफट अपनी लैम्बोर्गिनी को भगा के चलते हैं सीधे अपने घर पे। अभी गाइस हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी को भगाते भगाते अपने घर पे बस पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा सा आगे है तो लेके चलते हैं फटाफट। और भाई थोड़ा स्पीड कम कर लेते हैं, नहीं तो भाई थक जाएगी, तो भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और हम लोग आ चुके हैं अपने घर में, तो फटाफट इसको ले चलते हैं और अपने गैराज में इसको पार्क कर देते हैं। चलो भाई इसको आराम से अपने गैराज में पार्क करते हैं। और भाई इधर अपनी हायाबूसा खड़ी है तो इसको साइड में खड़ी करना पड़ेगा। तो गाइस अभी फिलहाल में अपनी लैम्बोर्गिनी को इधर ही सामने ही खड़ी कर देते हैं अपने गैराज के। जब फ्रैंकलिन अपनी बाइक लेके आ जाएगा तो दोनों को आराम से अपनी बाइक और अपनी लैम्बोर्गिनी को अपने गैराज में खड़ी कर देंगे। तो अभी इंतज़ार करते हैं और देखते हैं अभी फ्रैंकलिन कब अपनी बाइक लेके आता है। और अभी गाइस अपनी बाइक भी आ चुकी है, फ्रैंकलिन को थोड़ा काम था इसीलिए यहाँ बाइक खड़ी करके चला गया है। और अभी गाइस आप लोग देख सकते हो अपनी लैम्बोर्गिनी और बाइक दोनों अपने घर पे आ चुकी है। तो फटाफट चलते हैं और गैराज में जगह बनाते हैं और ये दोनों को उधर ही पार्क कर देते हैं। और आप लोग गाइस देख सकते हो अपनी लैम्बोर्गिनी और बाइक काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है। तो फटाफट अभी चलते हैं गैराज में और अपनी हायाबूसा को थोड़ा साइड में खड़ी कर देते हैं ताकि लैम्बोर्गिनी और बाइक यहाँ आ सके। तो फटाफट अभी हायाबूसा में बैठते हैं और इसका रेडियो पहले बंद कर देते हैं भाई। चलो इसका रेडियो हो चुका है ऑफ, अभी फटाफट चलते हैं और इसको थोड़ा साइड में खड़ी कर देते हैं। चलो गाइस इसको तो अभी हम लोग ने खड़ी कर दिया है और अभी गाइस अपनी बाइक को भी गैराज में पार्क कर देते हैं। तो फटाफट चलते हैं और अपनी बाइक में बैठते हैं। चलो गाइस अभी फटाफट इसको लेके चलते हैं गैराज में और इसको भी साइड में कर देते हैं पार्क। चलो गाइस अभी फिलहाल में हम लोग ने इसको साइड में लगा दिया है और अभी फटाफट अपनी बाइक से उतरते हैं। और अभी गाइस हम लोग ने ये दोनों बाइक को कर दिया है यहाँ पार्क। और अभी गाइस चलते हैं और अपनी लैम्बोर्गिनी में बैठते हैं। और अभी गाइस इसको इधर पार्क नहीं करेंगे, अभी फटाफट इसको चलते हैं एयरपोर्ट पे लेके और इसकी स्पीड टेस्टिंग करते हैं और इसको देखते हैं चलाने में कैसी है। तो फटाफट सबसे पहले हम लोग एयरपोर्ट का लोकेशन मार्क कर लेते हैं। तो गाइस फिलहाल में ये रहा मैप और ये देखो गाइस इधर है एयरपोर्ट, तो फटाफट यहाँ का लोकेशन मार्क करते हैं और फटाफट अभी चलते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी को लेके एयरपोर्ट पे और इसकी स्पीड टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं चलने में कैसी है। और अभी गाइस हम लोग अपनी लैम्बोर्गिनी को भगाते भगाते पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे, बस सामने से राइट लेना है और हम लोग पहुंच जाएंगे। और अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं, भाई ये गेट खोल दो। और अभी गाइस फटाफट चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, यहाँ दूसरा भी गेट लगा हुआ है। चलो गाइस ये भी खुल चुका है, फटाफट चलते हैं। और अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर और आप लोग देख सकते हो यहाँ पूरा खाली जगह है, हम लोग यहाँ अपनी लैम्बोर्गिनी को आराम से भगा सकते हैं और इसकी स्पीड टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो फटाफट अपनी लैम्बोर्गिनी को यहाँ मोड़ते हैं। चलो गाइस अपनी लैम्बोर्गिनी यहाँ मोड़ चुकी है और अभी गाइस अपनी लैम्बोर्गिनी को भगाते हैं और देखते हैं इसका फुल स्पीड कितना है। और अभी गाइस 200 किलोमीटर तो पार हो चुका है, अभी 210 और अभी गाइस 249 किलोमीटर पे आके ये रुक चुकी है, मतलब इसका मैक्स स्पीड 249 किलोमीटर है। और अभी गाइस अपनी लैम्बोर्गिनी को रोकते हैं क्योंकि आगे जगह नहीं है। और गाइस आप लोग देख सकते हो इसका मैक्स स्पीड 249 किलोमीटर है, जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मतलब उसको वहाँ से यहाँ आने में थोड़ा ही समय लगा। और अभी गाइस आप इससे ड्रिफ्ट मारते हैं, आप लोग ये देख सकते हो। और गाइस ड्रिफ्ट मारते समय जो टायर में से स्मोक निकल रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। और गाइस एक बार और अपनी लैम्बोर्गिनी को फुल स्पीड में भगाते हैं और इसका स्पीड देखते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हो मतलब 200 किलोमीटर इसको पहुंचने में थोड़ा भी टाइम नहीं लग रहा है। और आप लोग देख सकते हो इसने वापस से अपना फुल स्पीड पकड़ लिया है 249 किलोमीटर। और अभी गाइस हम लोग फुल स्पीड में सामने की तरफ जा रहे हैं, तो फटाफट ब्रेक मारते हैं और अपनी लैम्बोर्गिनी को रोकते हैं। चलो गाइस अभी अपनी लैम्बोर्गिनी रुक चुकी है, अभी फटाफट चलते हैं अपने घर पे क्योंकि हम लोग ने इसका स्पीड टेस्टिंग भी कर लिया है और इसमें ड्रिफ्ट भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लगता है। अभी गाइस फटाफट एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और चलते हैं अपने घर पे। और अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर, अभी फुल स्पीड में अपनी लैम्बोर्गिनी को भगा के लिए चलते हैं अपने घर पे। और अभी गाइस हम लोग फुल स्पीड में अपने घर पे पहुंचने वाले हैं, बस सामने ही है अपना घर। और गाइस थोड़ा सा अपनी लैम्बोर्गिनी ठुक चुकी है, पर कोई बात नहीं भाई, हम लोग बाद में इसको रिपेयर करवा लेंगे। और अभी गाइस ये गेट भी खुल चुका है, अभी फटाफट अपनी लैम्बोर्गिनी को लेके चलते हैं और अपने गैराज में इसे पार्क कर देते हैं। चलो गाइस अभी गैराज का भी दरवाजा खुल चुका है और अपनी लैम्बोर्गिनी को इसके अंदर पार्क कर देते हैं। चलो गाइस अभी लैम्बोर्गिनी से उतरते हैं। चलो गाइस अभी फिलहाल में चलते हैं गैराज के बाहर। और अभी गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ अपनी हायाबूसा खड़ी है और इधर अपनी ये बाइक खड़ी है, मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ अपनी लैम्बोर्गिनी भी खड़ी है। सो गाइस अपनी तीनों गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, आप लोग देख सकते हो। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि जो हम लोग के पास $7 लाख है हम लोग को उससे क्या करना चाहिए। सो गाइस मिलते हैं फिर से कोई अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।